नमस्कार, स्वागत है आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ई लर्निंग जो कराया जा रहा है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई डॉक्टर अंबेडकर चेयर द्वारा इन कोलैबोरेशन विद PVDT कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन मुंबई। मैं हूँ शिखा मिनानी, असिस्टेंट प्रोफेसर PGDAV कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस FTP में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वीडियो बना सकते हैं मूवली का इस्तेमाल करके। मूवली एक सॉफ्टवेयर है जो पुराना सॉफ्टवेयर होता था फ्लैश, उसी का एक नया रूपांतरण है। तो देखते हैं हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे टाइप करना है मूवली, और जैसे ही हम मूवली खोलेंगे movly.com ओपन होगा। आपको अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे साइन अप करना होगा। तो हम देखते हैं कि साइन अप की प्रक्रिया क्या है। जब हम movly.com खोलेंगे तो हमें ऐसा पेज नज़र आएगा। अब इस पेज पे हम देख सकते हैं कि ये हमें दिखाएगा क्रिएट के अंतर्गत हम बिज़नेस वीडियोस बना सकते हैं, एजुकेशन वीडियोस और पर्सनल वीडियोस। अगर आप एजुकेशन वीडियोस बना रहे हैं तो उसके अंदर ये आपसे पूछेगा कि क्या आप टीचर्स के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। और अगर आप टीचर्स के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, साइन अप करेंगे टीचर्स के लिए, तो ये आपको कुछ अच्छे फ़ायदे देगा। जैसे कि इसके अंदर आपको मेमोरी मिलेगी, काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मूवली पे अकाउंट बना रहे हैं तो आप एज अ टीचर साइन अप कीजिए। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी मूवली पे अकाउंट है तो मैं सीधा अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉग इन करूँगी। ये है मेरा अकाउंट, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है। मैं इसको अपग्रेड भी कर सकती हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकती हूँ, पिक्चर ऐड कर सकती हूँ, लेकिन हमें ये कुछ नहीं करना। और मूवली में आप जो भी वीडियोस बनाएंगे वो खुद ही मूवली के डैशबोर्ड पे सेव होती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोजेक्ट्स या वीडियोस हैं जो मैंने मूवली का इस्तेमाल करके बनाई है, और अब इस वीडियो के बाद आप खुद भी ऐसे ही वीडियोस तैयार कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्रिएट प्रोजेक्ट बटन को दबाना है। जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट दबाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम एक नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, या हम पहले से ही बनाए गए किसी वीडियो या टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। इसलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं और हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टार्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें हम नो थैंक्स दबाएंगे क्योंकि हमें नहीं जानना कि मूवली कैसे काम करता है। मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे भी ओके दबाएंगे। अभी हमें कोई किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको भविष्य में किसी भी मदद की ज़रूरत महसूस हो तो हम इस हेल्प बटन का हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझते हैं मूवली की स्क्रीन पे ये जो सारी टैब्स हैं ये क्या हैं। सबसे पहली जो ये हमारा विंडो है, इसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी। इसका हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे आज अपनी वीडियो में, क्योंकि इस लाइब्रेरी में हमारे पास काफ़ी सारी क्लिप्स, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस मौजूद हैं, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपनी स्क्रीन पर बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने में। ये कहलाता है लाइब्रेरी। ये हमारा जो मेन है वाइट स्क्रीन, इसको हम बोल सकते हैं स्टेज या कैनवस, क्योंकि यहीं पर हमारी सारी वीडियोस दिखेंगी और हम उन वीडियोस को मॉडिफाई या चेंज कर पाएंगे। तीसरा है, आप नीचे की तरफ देखेंगे, इस पूरे को हम बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं कि कौन सी इमेज, वीडियो या क्लिप आपको कब चाहिए, कौन सी क्लिप आपको पहले चाहिए, कौन सी क्लिप आपको बाद में चाहिए। और लास्ट है ये हमारी स्टेज प्रॉपर्टीज। इस स्टेज प्रॉपर्टीज से हम अपने स्टेज की बैकग्राउंड, एनिमेशन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की वीडियो से। सबसे पहले जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें उसको एक नाम देना होगा, जिसके लिए हम
जहाँ ये प्रोजेक्ट 10 लिखा है, क्योंकि मेरा ये 10वां प्रोजेक्ट है, उसके आगे जो ये पेन बना है मैं उस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगी FDP 3, क्योंकि हम FDP 3 के अंतर्गत ये बना रहे हैं। अब आपको जाना होगा लाइब्रेरी में। जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये है कुछ ग्राफिक्स, कुछ क्लिप्स, जिसके आगे भी प्रो लिखा है। ये आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको मूवली का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन हमारे पास फ्री भी काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, तो हम उनका यूज़ करेंगे आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास कोरोना से रिलेटेड ग्राफिक्स हैं, हमारे पास डूडल मेकर है, इन्फोग्राफिक्स है, मोशन ग्राफिक्स है, और नीचे हमारे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, बैकग्राउंड साउंड, म्यूज़िक भी है, ठीक है। लेकिन आज हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम मोशन ग्राफिक्स से, ऐसी इमेजेस जिसमें कुछ मोशन हो, जो मूव भी करती हैं। अब अगर इसमें से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, तो उसका प्रीव्यू आपको स्टेज प्रॉपर्टीज़ में दिख जाएगा कि उस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 6 सेकंड की वीडियो है और ये कैसे मूव करेगी। ऐसे ही आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब अगर आपको अपने स्टेज पे उस इमेज को या मूविंग ग्राफिक को लेके आना है, तो आप उस पर बस क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग करके अपनी स्क्रीन पर ले आइए। यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए और ये है हमारी जो हमने मोशन ग्राफिक डाला है। हम इसको छोटा बड़ा अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मैं इसको बीच में लेके आ गई थोड़ा छोटा करके। अब एक और भी हम मोशन ग्राफिक लेके आते हैं, तो मैं ये जो फायर बैनर है इसको मैं ले आई और इसको मैं ऐसे नीचे ही रहने दूंगी, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मनुष्यों के गलत इस्तेमाल की वजह से आज हमारी पृथ्वी पूर्णतः जल रही है। अब अगर आपको कुछ लिखना है, तो उसके लिए आप ऊपर इस टेक्स्ट बटन पे जाएंगे और जैसे ही हम टेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, लेट अस प्रे फॉर मदर अर्थ, ठीक है। अब हम इस फॉन्ट को अगर क्लिक करेंगे, तो हम देख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, देख रहे हैं आप, यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे हम इस फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, हम इस फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, हम इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी कलर चूज़ करना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर स्क्रीन आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है स्टेज का, तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और फिर हम जाएंगे स्टेज प्रॉपर्टीज़ पे। ध्यान रखिएगा, स्टेज के कलर को चेंज करने के लिए हमें स्टेज प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और वहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी कलर इस्तेमाल करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी पहली वीडियो जो हमने बनाई है। अब हम आते हैं नीचे टाइमलाइन पे। आप टाइमलाइन में देखेंगे, यहाँ 3 चीज़ें आ रही हैं, लेट अस प्रे फॉर मदर अर्थ, फायर बैनर, जो मैंने ये आग का बैनर लगाया है, और जो पृथ्वी घूम रही है। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी अर्थ घूमती हुई आए, उसके बाद फिर आग दिखाई दे और फिर उसके बाद टेक्स्ट आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब ये तीनों क्लिप्स एक समय पे शुरू होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फायर बैनर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लू हो चुका है और इसको बस खींच कर हम, ड्रैग कर कर हम आगे ले जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि पहले हमारी अर्थ रोटेशन आएगी और जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो, और उसके बाद ये फायर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सबसे लास्ट में आए, तो उस पर क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग करते हुए वहाँ ले जाइए जहाँ पे आप उस टेक्स्ट को देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ रोटेशन यहाँ पे ख़त्म ना हो बल्कि पूरे क्लिप में चले, तो उसके लिए हम उसको खींच के पूरा अंत तक लेके जा सकते हैं। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि फायर बैनर भी अंत तक चले। तो हमने तीनों क्लिप्स को एक साथ एंड कर दिया। अब हम ऊपर जाते हैं क्लिप 1 पर।
तो क्लिप वन, ये जो ग्रे कलर का आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सिर्फ आपको दिखाता है कि आपकी क्लिप 12 सेकंड की है। तो अब देखते हैं कि ये क्लिप हमारी कैसी नजर आएगी। तो मैं इसको प्ले कर रही हूँ, पहले सिर्फ अर्थ घूम रही है, अब फायर स्टार्ट हुई और अब आ गया हमारा टेक्स्ट, और अब ये तीनों चीज़ें साथ में चलेंगी और यहाँ पे आके ख़त्म होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम कुछ और करते हैं और हम ऐड करते हैं इसमें एनिमेशन। एनिमेशन के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हम एनिमेशन चाहते हैं फिर से उस चीज़ को क्लिक करेंगे। मैं चाहती हूँ एनिमेशन अपनी अर्थ की रोटेशन में, कि अर्थ धीरे धीरे घूमती हुई अंदर आए, तो हम उस अर्थ रोटेशन पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे ऐड एनिमेशन पे। ऐड एनिमेशन में जाके हम जाएंगे, ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करूँगी एंटर और बाउंस इन, कि ये बाउंस करती हुई अंदर आए। तो आप देख सकते हैं कि ये है मेरा एनिमेशन, लेकिन ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम इस एनिमेशन इन टू डॉट्स को हम बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ तक आप चाहते हैं कि एनिमेशन आए। आप हर एक चीज़ के लिए एनिमेशन लेके आ सकते हैं। देखते हैं फायर बैनर में एनिमेशन कैसे लाएंगे। उसके लिए हमने फायर बैनर को क्लिक किया और हमने फिर से ऐड एनिमेशन किया, और फायर बैनर को मैं चाहती हूँ कि वो एंटर करे वाइप इन करके, तो ये हमारा आ गया। और इस डॉट को हम खींचेंगे तो ये जो एनिमेशन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे नज़र आता है। एक सेकेंड, मुझे वो अपना शुरू से प्ले करना है, तो हम इसको फिर से एक बार स्टार्टिंग में ले आते हैं और अब स्टार्ट करेंगे। देखिए अर्थ कैसे पॉप इन करके आई, फायर बैनर देखिए कैसे आया फ्लाई करके, और ये है हमारा टेक्स्ट। तो ये तरीका था अपनी वीडियो बनाने का। अब देखते हैं इसे सेव कैसे करना है। वैसे तो मूवली के अंदर आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो खुद ब खुद ही आपके मूवली अकाउंट में सेव हो जाती है, मगर आप फिर भी अगर इंश्योर करना चाहते हैं कि ये सेव हो जाए, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे जो हेल्प के साथ आपका सेव बटन है, और आप देख सकते हैं कि ये सेव्ड है। हम जाते हैं वापस अपने मूवली डैशबोर्ड पे, इसको हम करते हैं रीलोड, और हम देख सकते हैं कि मेरा FDP3 का जो वीडियो है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं फेसबुक मूवली गैलरी या यूट्यूब पे, या आप इसकी डिटेल्स अभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टाइटल वगैरह कुछ चेंज करना है वो भी चेंज हो सकता है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वीडियो फाइल, जिससे कि फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट पे या शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। वाटरमार्क हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ प्रो में ही रिमूव हो पाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।